एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तिवारी कार्ड लखनऊ में। और आज हमें बुनियाद बाग के मैदान में, जहां पर ऑल इंडिया अद्धी कार्ड टूर्नामेंट 2024 हो रहा है, जिसका आयोजन आगा स्पोर्टिंग द्वारा कराया जा रहा है और जिसके मेन आयोजक हैं मिस्टर श्री लाइक आगा जी, वे इसी मैदान में लगे हुए हैं। और आज जो गेम चल रहे हैं, जो हो रहे हैं, वो हम आपको बताते हैं। ग्रुप डी में गेम चल रहा है, एक आलमबाग काइट क्लब और अंबरगंज के बीच में चल रहा है, चवन मुरादाबाद काइट क्लब और न्यू फूलबाग के बीच में है, मूनलाइट गोंडा काइट क्लब और स्काई काइट क्लब के बीच में है, एवन काइट क्लब और असलम कोर्ट कलकत्ता के बीच में गेम चल रहा है, अंकित काइट क्लब और MM बरेली के बीच में गेम चल रहा है, कबीर काइट क्लब और नोबल के बीच में गेम है, और एक गेम सेकंड राउंड का गेम चल रहा है, यम काइट क्लब और हीरोज के बीच में गेम है, और ओल्ड एवन और गोल्डन टी के बीच में गेम चल रहा है सेकंड राउंड का। बहुत ही ज़बरदस्त, बेहतरीन, खूबसूरत मैदान और ज़बरदस्त टूर्नामेंट होता हुआ यहाँ पर। बने रहे हमारे चैनल पर तिवारी काइट लखनऊ में, आपका दोस्त विकास बाबू। ये सामने होता हुआ, ऊपर से खिलाड़ी चढ़ के आते हुए, नीचे से अंदर का मुड्ढा लेके जाते हुए पतंग, अंदर का मुड्ढा लेके जाते हुए। अभी बताते हैं कौन सा क्लब लड़ रहा है। अभी मैं मैदान आया हूँ, तुरंत पहला पेज बना रहा हूँ और आज मेरा गला बहुत ख़राब हो चुका है। ऊपर का खिलाड़ी मुड्ढा रखता हुआ अंदर चढ़ के आता हुआ, सामने पेज चलता हुआ, नीचे का खिलाड़ी थपकी देते हो, हल्का तो मुड्ढा बाहर ले आओ, जिगा रहा हो यहाँ पे तेज़ी के साथ बाहर तेज खींच के, और ये पेच नीचे खिलाड़ी फटका के, और ये शायद क्रिच आउट हो गए यहाँ पर बरेली। MM काइट क्लब और बरेली के बीच में गेम चल रहा था ये। भाई स्कोर क्या अपना अभी, और यहाँ पे देखो दोस्त क्रिच आउट हो गया, तो आपस में देखो बहस कर रहे थे मेरे, और आप देख सकते हैं ये क्रिच उन्होंने कैसी बनाई, एकदम समोसा, ये देखो एकदम बहुत ही। जबकि हमारे क्रिच अंपायर ने, सूरी भाई मेन अंपायर है, जो कि उनको समझाया, लेकिन और ये समझने की अपने मन की। मैं इतने साल से टूर्नामेंट करा रहा हूँ, मैंने ज़िंदगी में पहली बार किसी को क्रिच आउट दिया, मैंने क्रिच आउट होते ही नहीं देखा आज तक किसी को, एक बार देखा भी तो पेज कट गया था। और इन्होंने अपनी क्रीज अपनी खुद बनाई अपने हाथ, बड़ी डिजाइनर क्रीज बनाई थी, और डिजाइनिंग क्रीज बनाई और ये आउट हो गए, क्रीच आउट हो गए, पेज काटा लेकिन पेज मिल गया अंकित काइट क्लब को। सिंगाड़ा बनाया शकील भाई, कह रहे सिंगाड़ा बना दिया शकील भाई, जानेंगे शकील भाई, शकील बना दिया तरबूज। शकील भाई ये क्रीज कैसी थी आप? सिंगाड़ा, सिंगाड़ा बनी थी। आप किल क्या बनाएंगे? तरबूज कह रहे हैं बनाएंगे, नहीं नहीं तरबूज आपके कह रहे लौकी बना देंगे। लौकी बना, बहुत ही जबरदस्त, बरेली से आए थे भाई MM काइट क्लब के खिलाड़ी, जबरदस्त। JD काइट क्लब के लिए देखे शाहबाज भाई तैयारी ले रहे, पेज लाएंगे, और दो JD काइट क्लब और साकिर मुरादाबाद के बीच में गेम चल रहा है, जो कि प्री क्वार्टर फाइनल का गेम है, और दोनों टीमों के बीच में अभी स्कोर चल रहा है 5-2 का, और एक पेस काटेंगे यहाँ पर शाहबाज, तो अपना राउंड क्लियर करके क्वार्टर फाइनल में पहुँच जाएंगे। और इस पेज को देखने के लिए काफ़ी दर्शक यहाँ पर मौजूद है, और देखते हैं मुरादाबाद के लिए कौन लड़ाएगा। मुरादाबाद के लिए सामने देखिए आजम भाई तैयारी ले रहे हैं, और ग्रीन सिग्नल हो चुका है सामने पेच, दो डोर छोड़ने के लिए बोलते हैं यहाँ पर आजम भाई, यहाँ थोड़ी दो छोड़ के पेच लड़ाया जाए खिलाड़ी, और चलते सीधे पेच की ओर सामने। सामने देखे पेच होता हुआ, नीचे से है आजम भाई, ऊपर से लड़ा रहे शाहबाज, सामने पेच होता हुआ, भैया गोंडा, ऊपर से शाहबाज भाई चक्कर देते हुए हल्का तो मुड्ढा बाहर का, लेकिन पेच सही किसी को बच चुका, सामने पेच होता हुआ। मुरादाबाद वर्सेज लखनऊ के बीच में प्री क्वार्टर फाइनल का गेम चल रहा है, और यहाँ पे शाहबाज ने भरपूर ताकत के साथ गद्दा मारा और यहाँ पर रोक लिया, और डोर पर खेल होता हुआ मुरादाबाद कट गया, और शाहबाज ने काट के क्वार्टर फाइनल में अपनी सीट पक्की कर ली यहाँ पर, और उसका गेम शायद स्पीड काइट क्लब से होगा ग्रुप डी में। बहुत ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन गेम काट के मुरादाबाद से जीत लिया यहाँ पर।
शाहबाज ने ये पेच काटा, ये भी शाहबाज भाई है। और शाहबाज भाई आपको कैसा लग रहा है क्वार्टर फाइनल पहुंच के सीट पक्की करके? और शकील भाई इनको बधाई देंगे जरा? इनको बधाई नहीं, इनको कुछ और देंगे बाद में। कुछ स्पेशल रखा होगा शकील भाई ने। बहुत बहुत बधाई शाहबाज भाई आपको। चमन मुरादाबाद खिलाड़ी सामने पे ला रहे नीचे से और ऊपर ला रहे हैं। फूलबाग के खिलाड़ी सामने पेच होता हुआ ऊपर से चढ़ के आते हुए फूलबाग के खिलाड़ी और नीचे से हैं चमन मुरादाबाद। सामने पेच होता हुआ ऊपर से हैं फूलबाग के खिलाड़ी और नीचे से हैं चमन मुरादाबाद के खिलाड़ी। सामने पेच होता हुआ लखनऊ वर्ष मुरादाबाद की विजय। मुरादाबाद के खिलाड़ी थपकी देते अंदर बाहर करते हैं, बाहर की तेज लेके आते हैं। ऊपर से फूलबाग के खिलाड़ी हल्का तो बाहर का मुठा लेके आते हैं। सामने पेच होता हुआ और ये पेच मुरादाबाद ने काट दिया चमन मुरादाबाद। गोपाल भाई ने मुरादाबाद के लिए पेच काटा, बहुत ही बेहतरीन पेच काट दिया। अभी स्कोर क्या चल रहा है? पहला पेच लड़ा था, अभी पहला पेच लड़ा था लखनऊ मुरादाबाद के लिए। सा काइट क्लब के लेके सामने कामरान भाई तैयारी ले रहे, पेच लड़ाएंगे ऊपर से और नीचे से लड़ाएंगे यम काइट क्लब के लिए शायद रईस भाई। सामने देखे तैयारी लेते हुए और दोनों टीमों के बीच में स्कोर है 5-4 का, जिसमें 5 काटे हैं यम काइट क्लब ने और 4 काटे हैं सा काइट क्लब ने। और एक पेज बचा है जो अगर काट देते हैं यहाँ पर यम काइट क्लब तो अपना सेकंड राउंड विन करके थर्ड राउंड खेलेंगे। दोनों खिलाड़ी तैयारी लेते हुए सामने पेज सही सामने पेज होता हुआ ऊपर से हैं ये साह काइट क्लब खिलाड़ी। मुड्ढा तेजी के साथ बाहर लेके आते हुए और यम ने पेच काट दिया और इसके साथ साथ ये गेम यम काइट क्लब ने विन कर लिया। बहुत ही बढ़िया पेच काट दिया था। नोबल काइट क्लब के खिलाड़ी सामने देखे नीचे लड़ा रहे और ऊपर पीछे वाल देखिएगा वापस लड़ा रहा कबीर काइट क्लब। और चलते हैं सीधे पेच की ओर। सामने देखे पेच होता हुआ ऊपर से है देखे नोबल काइट क्लब के खिलाड़ी और नीचे से अंदर मुड्डा ले गया पता अपनी ऊंची करते ऊपर से कबीर काइट क्लब खिलाड़ी बाहर तेजी के साथ लेके आते गद्दा मारते। और ये पेच बहुत ही बढ़िया तेजी के साथ बाहर तेज के खींच के और ये पेच आर नोबल ने काट दिया। कबीर ने पेच काटा, सॉरी नोबल ने, नोबल कटा है कबीर ने पेच काटा नीचे से बढ़िया पेच काट दिया। रिहान भाई ने पेच काटा है। गोंडा और स्काई लखनऊ के बीच में पेच हो रहा सामने है। स्काई के लिए लड़ा रहे बाबू नीचे से और ऊपर से गोंडा के खिलाड़ी। सामने पेच होता है सामने देखे तैयारी सिटी बस्ती है। ऊपर से गोंडा नीचे से स्काई बाबू पेच सही और बाबू थपकी देते और तेजी की तरफ पूछ के और गोंडा खिलाड़ी बहुत ही भरपूर ताकत के साथ बाहर तेज खींच के और ये पेच गोंडा के काट दिया और ये स्काई पेच कट गया बाबू। चमन मुरादाबाद के खिलाड़ी पेच लड़ा रहे नीचे से और ऊपर से लड़ा रहे फूलबाग के खिलाड़ी। इसी के साथ चलते सीधे पेच की ओर। सामने देखे पेच होता हुआ नीचे से है चमन मुरादाबाद के खिलाड़ी और ऊपर से है फूलबाग के खिलाड़ी। चमन मुरादाबाद के लिए नीचे से अंदर का मुड्ढा लेके जाते खिलाड़ी और ऊपर से पतंग चलाते हुए फूलबाग के प्लेयर चक्कर देते हुए। सामने पेच होता हुआ चमन मुरादाबाद खिलाड़ी हल्के हाथों से ऊपर से मुड्ढा रखते हुए पेच सही फूलबाग के खिलाड़ी मुड्ढा रख दिया और पेच सही थपकी देते हुए चक्कर देते हुए ऊपर से फूलबाग के खिलाड़ी हल्के हाथों से मुड्ढा पता अपनी ऊंची करते हुए नीचे से मुरादाबाद के प्लेयर पता अपनी ऊंची करते हुए हल्के हाथों से अंदर का मुड्ढा लेके आते हुए
सामने पे लड़ता हूँ मुरादाबाद वर्सेस लखनऊ के बीच पेस सही फूलबाग के प्लेयर चढ़ के आते हुए ऊपर से अंदर का मुड्ढा लिखाते जिगा बनाते हुए हल्के आते हुए मुड्ढा बाहर का रखते हुए चक्कर देते हुए और यहाँ पर बहुत बढ़िया क्या झटका जबरदस्त भर्रा दे के झटक के बेहतरीन पेच काट दिया पर चमन मुरादाबाद के लिए लाजवाब पेच काट दिया भाई ये देखो जबरदस्त पेच काट दिया बेहतरीन कोलकाता के एशियन काइट क्लब की टीम देखिए सामने खिलाड़ी हैं और ये हमारे कौड़ी भाई अकबर अली और भवन भाई बहुत दूर से आए भाई 1000 किलोमीटर कितना डिस्टेंस होगा यहाँ से लखनऊ से कलकत्ता लगभग तेरह सौ किलोमीटर दूर से आए लखनऊ में आज टूर्नामेंट करने आगा स्पोर्टिंग काइट टूर्नामेंट बुनियाद बाग में और अभी एको पेज तो हुए नहीं क्यों भवन भाई एको पेज अभी हुए नहीं एक भी पेज नहीं हुआ और अभी पतंग उड़ाई थी लेकिन फिर फर्जी चले गए और ये पहला पेज लड़ाएगा कौन कौड़ी भाई पे लड़ाएंगे कौड़ी भाई लड़ाएंगे कौड़ी भाई देखिए तैयारी कर रहे हैं और बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है कलकत्ता के एशियन कोर्ट से लड़ाएंगे आज गेम यहाँ पर बुनियाद बाग मैदान में दी काइट टूर्नामेंट और चलते हैं वोन काइट क्लब के खिलाड़ी देखते हैं कौन कौन वोन से लड़ रहे हैं आलमबाग काइट क्लब के लिए समीर फिर लड़ा रहे हैं नीचे से और ऊपर लड़ा रहे हैं अंबरगंज खिलाड़ी सामने पे लड़ता हुआ अंबरगंज खिलाड़ी ऊपर से मुड्ढा रखते हुए और नीचे से समीर थपकी देते पतंग चलाते हुए आलमबाग के लिए ऊपर से आलमबाग की खिलाड़ी मुड्ढा हल्का तो रखते हुए सामने पेच होता हुआ और यहाँ पे ये पेच आलमबाग ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से बेहतरीन पेच ये समीर ने काटा आलमबाग के लिए बढ़िया पेच काट दिया सीएन कोर्ट का जो गेम है हमारे एवन काइट क्लब से है जिसमें देखिए हमारे कुणाल भाई अपनी पतंग छोड़ के जा रहे हैं मंजे की और दूसरे खिलाड़ी यहाँ पर हमारे शाहरुख बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त तूफानी खींच है और देखते हैं आज जो गेम है लखनऊ और कलकत्ता के बीच में कौन विन करता है दोनों टीमों के बीच में बहुत ही ज़बरदस्त गेम होने की उम्मीद है और हमारे अंबरगंज के सुपरस्टार अनवर भाई भी आज मैदान में है आज इनका भी गेम लड़ना है आज अनवर भाई अभी अपना स्कोर क्या चल रहा है अंबरगंज का अभी पहला पेच हुआ है आलमबाग से जो शायद कट गए और 1-0 का स्कोर चल रहा है अंबरगंज काइट क्लब और आलमबाग के बीच में भाई देखिए आसिफ भाई हैं और ये डोर आसिफ भाई ये कौन सा मंजा है अदनान अली का मंजा है छोड़ के जा रहे हैं बहुत बढ़िया मंजा बता रहे हैं भाई आसिफ भाई और ये मंजा कौन सा क्लब लड़ा रहा है स्काई ये नेबुल लड़ा रहा है नोबल लड़ा रहा है स्काई भी लड़ा रहा है नोबल और स्काई दोनों लड़ा रहे हैं मंजा और बढ़िया कारीगर हैं और देखिए डोर देखिए बेहतरीन जबरदस्त कलर भी है और मंजा भी बहुत अच्छी क्वालिटी का लग रहा है और देखते हैं ये किसकी पतंग पार हो रही है अभी स्काई की ये नोबल की नोबल के छोड़ के जा रहे हैं ये हमारे आसिफ भाई ये मंजा अगर लखनऊ में चाहे किसके पास मिलेगा अपना ये सिर्फ आसिफ भाई के पास मिलेगा आसिफ मोरंग आप सभी जानते हैं ये आसिफ मोरंग के पास यहाँ पर लखनऊ में मिलेगा मंजा अदनान भाई का और बढ़िया बेहतरीन मंजा है जबरदस्त टूर्नामेंट क्वालिटी का भाई देखिए शाहरुख भाई तैयारी ले रहे हैं एवन काइट क्लब के लिए लड़ाएंगे पेच नीचे से आप लड़ाएंगे कुणाल भाई लड़ाएंगे और शाहरुख पे लड़ाएंगे और ऊपर से लड़ाएंगे कलकत्ता के लिए कौड़ी भाई हमारे और ये दोनों टीमों के बीच में पहले राउंड का ग्रुप डी का पहला पेच होने जा रहा है तैयारी ले रहे हैं ऊपर से देखे जगह बना रहे कौड़ी भाई और कलकत्ता और लखनऊ के बीच में गेम होने जा रहा है बहुत ही बढ़िया बेहतरीन जबरदस्त और यहाँ पर शाहरुख तैयारी लेते हुए नीचे से पेड़ लड़ाएंगे सामने देखे पेच होता हुआ नीचे से लड़ा रहे शाहरुख एवन काइट क्लब के लिए और ऊपर से कौड़ी कलकत्ता के लिए सामने पेच होता हुआ पेच सही की सीटी बच चुके हैं सामने पेच होता हुआ शाहरुख नीचे से अंदर का मुड्ढा लेके जाते हुए ऊपर से कौड़ी कलकत्ता के लिए मुड्ढा हल्का तो बाहर का लेके जाते हुए
पतन चमकाते हुए थपकी देते हुए अंदर का मुड्डा लेकर आते शाहरुख जिगा बनाते हुए ऊपर से कौड़ी अंदर मुड्डा लेके आते हुए और अंदर की तेज और यहाँ पे झटकते और ये पेच कौड़ी ने काट दिया यहाँ पे कलकत्ता के लिए और इसी के साथ एवन काइट क्लब और एशियन कोर्ट कलकत्ता के बीच में 1-0 से कलकत्ता आगे चल रहा और ये पेच शाहरुख कट गए। बुनियाद बाग की जनता आप देख रहे सामने बहुत ही दर्शक हैं और आप सभी को एक सूचना देनी है कि सुबह जो गेम हुआ जिसमें इंटरनेशनल काइट क्लब और हीरोज़ के बीच में गेम था और जो कि गेम हीरोज़ काइट क्लब ने विन कर लिया और इंटरनेशनल काइट क्लब इस टूर्नामेंट से बाहर हो गया और दूसरी टीम एक और थी राजधानी काइट क्लब और गोल्डन टी के बीच में गेम चल रहा था जिसमें राजधानी काइट क्लब कल के गेम से बाहर हो गया आज सुबह और इसमें गोल्डन टी विन कर गया था। रेली काइट क्लब के खिलाड़ी सामने तैयारी ले रहे हैं और पीछे से पे लड़ा रहे हैं आशु अंकित काइट क्लब के लिए और पेच सही की सीटी बच्चों के सामने पेच होता हुआ नीचे से आशु अंदर का मुड्ढा लेके जाते हुए और ऊपर से बरेली के खिलाड़ी हल्के हाथों से मुड्ढा बाहर का लेके जाते हुए अंदर चढ़काते हुए ऊपर से और नीचे से आंसू थपके देते पतंग चलाते हुए पेच सामने लड़ता हुआ और अंदर का मुड्ढा उतारते हैं अभी बरेली के लिए और यहाँ पर आंसू पतंग अपनी ऊँची करते बाहर की तेजी लेके आते हुए और सामने पेच होता हुआ लखनऊ वर्सेज बरेली बरेली खिलाड़ी हल्के हाथों मुड्ढा बाहर का लेके आंसू पतंग अपनी ऊँची करते हुए और सामने पेच होता हुआ और यहाँ पे बरेली खिलाड़ी ने बहुत ही भरपूर ताकत के साथ दम मारा यहाँ पे आंसू ने बेहतरीन टाइमिंग के साथ झटक के और ये पेच कैची पे चलता हुआ डोर पे खेल होता हुआ और चुस्की चलती हुई पेच सही और ये पेच डोर पे खेल हो रहा है पतन नूबल की जो है नूबल कर एमएम बरेली की मकान के नीचे चली गई और आंसू की कैची चल रही है डोर पे खेल हो रहा है और ये पतंग उठ के आ गई और दोबारा खिलाड़ी ऊपर से मुड्ढा रखते हुए आंसू फिर से बाहर तेज खींचते हुए फिर डोर पे खेल होता हुआ कैची चलती हुई जबरदस्त डोर पे खेल होता हुआ और ये पेच एमएम काइट क्लब बरेली ने काट दिया बेहतरीन जबरदस्त पेश कर दिया। चमन मुरादाबाद के लिए गोपाल भाई देखे सामने तैयारी ले रहे पेड़ लगे नीचे से और ऊपर से ला रहे हैं फूलबाग के खिलाड़ी न्यू फूलबाग और सामने चलते इसी के साथ सीधे पेच को सामने देखे पेच होता तैयारी लेते दोनों खिलाड़ी नीचे से है मुरादाबाद के लिए चक्कर देखे कितनी खा रहे जबरदस्त पता पेच सही सामने पेच होता हुआ नीचे से गोपाल भाई अंदर का मुड्ढा लेके जाते हुए चक्कर देते हुए पतंग ऊपर से न्यू फूलबाग के खिलाड़ी चक्कर देते हुए पतंग काफ़ी भारी है ऐसे लगा था चमन मुरादाबाद की सामने देखे पेच होता हुआ मुरादाबाद वर्सेज लखनऊ के बीच में पहले राउंड का गेम चल रहा है ऊपर से है न्यू फूलबाग खिलाड़ी मुड्ढा रखते हुए पेच सही सीटी बच चुकी है सामने पेच होता हुआ नीचे से मुरादाबाद के चवन भाई तेजी के साथ पतंग अपनी ऊंची करते हो यहाँ पर ऊंची करके झटकते हुए और झटक झटक डोर पर खेल खेलते हुए दोनों खिलाड़ी और कैची चलते हुए पेच अभी नहीं हुआ पेच चल रहा है कैची चल रही है मुरादाबाद और लखनऊ के बीच में और ये पेच बहुत बढ़िया बेहतरीन मुरादाबाद के लिए गोपाल भाई ने फिर से एक बार काट दिया और बढ़िया पेच काट दिया जबरदस्त डोर पे रख के गोपाल भाई स्कोर क्या हो गया अपना वैसल भाई ने पेच काट दिया बहुत ही बढ़िया पेच काटा है गोपाल भाई स्कोर क्या अपना अभी 3-0 3-0 से गोपाल भाई आगे चल रहे बहुत बढ़िया पेच काट रहे हैं जबरदस्त
मैम बरेली के लिए देखिए जुनैद भाई तैयारी ले रहे, पे लड़ा रहे ऊपर से और पे सही सीधी बच गई सामने पे, चलते सीधे पेच को सामने पेच होता हुआ नीचे से आंसू अंकित काइट क्लब के लिए, आंसू नीचे से अंदर का मुद्दा लेकर आते हुए ऊपर से एमएम बरेली के लिए जुनैद भाई मुद्दा बाहर का लेके जाते हो, आंसू थपके देते हो, चक्कर देते हो, चमकाते हो पता है, और यहाँ पे भरपूर ताकत के साथ गद्दा मारा ये, और ये पे जुनैद ने काट दिया बहुत ही बेहतरीन गद्दा मार के बरेली के लिए बेहतरीन। जुनैद भाई स्कोर क्या हो गया अपना अभी? एक एक बराबर चल रहा बरेली और लखनऊ के बीच में, बेहतरीन जबरदस्त। क्लब के खिलाड़ी सामने देखे नीचे से तैयारी ले रहे हैं, पेड़ लाएंगे नीचे से और ऊपर से लाएंगे स्काई काइट क्लब लखनऊ के लिए, बाबू सामने देखे तैयारी लेते हुए ऊपर से पेड़ लाएंगे सामने, और चलते हैं हम इसी के साथ सीधे पेच की ओर। सामने देखे पेड़ लड़ाते हुए गोंडा के लिए रफात नीचे से, ऊपर से स्काई के बाबू सामने थपके देते हुए चलाते हुए दोनों खिलाड़ी, पेच काफ़ी ऊँचा ऊँचा लड़ा रहे हैं, धूप मौसम बहुत ज़बरदस्त, पेच की तैयारी लेते हुए दोनों खिलाड़ी नीचे से गोंडा के लिए अरफात और ऊपर से बाबू, पेच साइड सीटी बच चुकी, बाबू थपके देते चमकाते हुए बाहर का मुड्ढा लेके जाते और अंदर तेज खींचते यहाँ पर गोंडा खिलाड़ी, और ये पेच बाबू ने स्काई के लिए काट दिया और बहुत बढ़िया पेच काट दिया पे स्काई के लिए बाबू ने, बेहतरीन जबरदस्त। मून लाइट गोंडा काइट क्लब और स्काई लखनऊ बाबू के बीच में स्पोर्ट्स गेम चल रहा है, और बाबू भाई से जाने बाबू स्कोर क्या है, बाबू भाई स्कोर क्या अपना? और ये हादसा हो गया देखिए, अभी 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 काटा पतंग के साथ हादसा हो गया, चरखे छूट गए चरखे टूट गए, बाबू भाई स्कोर क्या अभी अपना? 6-0 से, 6-1 से बाबू भाई ने अपना पहला राउंड क्लियर कर लिया, यहाँ पे गोंडा टीम मूनलाइट बाहर हो गई। विक्की भाई देखिए सामने तैयारी ले रहे हैं अंकित काइट क्लब के लिए, और हमारे प्रदीप दत्ता आज अंकित काइट क्लब के सपोर्ट में है, और यहाँ अंकित का क्लब हमारा क्लब मतलब तो दिल की धड़कने है वो अंकित क्लब के लिए धड़कती है दद्दा की, अंकित क्लब भी दद्दा का हमारे, और विक्की भाई तैयारी ले रहे और गेम चल रहा है बरेली से, और चलते सीधे पेच को सामने देखे पेच को तैयारी लेते हो दोनों खिलाड़ी, ऊपर से है विक्की और नीचे से है बरेली खिलाड़ी, सामने पे लड़ता हुआ विक्की भाई ऊपर से चढ़ के जाते हुए नीचे से अंदर का मुड्ढा करके बाहर के लेके जाते हुए यहाँ पर बरेली के खिलाड़ी सामने, पेच कम से कम हो रहा 500 से ऊपर, विक्की लड़ा रहे ऊपर से अंकित काइट क्लब ले चढ़ के जाते हुए, और नीचे से बरेली के खिलाड़ी मतलब अपनी ऊँची करते थकी देर चलाते विक्की मुड्ढल के बाहर के लेके जाते तेजी के साथ, और यहाँ पे भरपूर ताकत के साथ गद्दा मारा, और ये पेच विक्की ने काट दिया बहुत ही बढ़िया शानदार। ये देखिए अंकित काइट क्लब की टीम, एक बार फिर से हम मेरा भाई प्रदीप बुनियादबाग के मैदान में, टूर्नामेंट बुनियादबाग के मैदान से ये लेफ्ट हो चुके हैं, हम अभी राइट हैं, ये राइट में और अंकित काइट क्लब की टीम देखिए आंसू भाई हमारे और विक्की भाई लड़ाए, और ये हिंदुस्तान के डैडी सभी लोग के डैडी भाई, सबके नहीं है हम लोग डैडी, हम लोग और ये सभी तो कहते हैं डैडी है सबके, हो या ना हो मिलीजुली के डैडी हैं, मिलीजुली के डैडी हैं, मिलीजुली के डैडी हैं, तो हिंदुस्तान के भी डैडी हो गए जब पूरी टीम के हैं, तो हिंदुस्तान के भी डैडी हो गए जब लखनऊ में डैडी पतंग की दुनिया के डैडी हैं, और ये हमारे सौरभ भाई बहुत बढ़िया बेहतरीन खिलाड़ी हैं जबरदस्त प्लेयर, और हमारे प्रदीप दत्ता गुलाब काइट क्लब के कैप्टन जान, और आंसू अंकित काइट क्लब की शान, ये हमारे सिमी सरदार आज जो है कमेंट्री नहीं, आज इनका क्लब लड़ रहा है। सिमी भाई अपना अभी स्कोर क्या चल रहा है?
हमारा एक एक पेज स्कोर है, एक पेज काटा है, एक पेज कटे हैं, एक पेज काटा है, एक पेज कटे हैं, बराबर चल रहा है। ये हमारी पतंग और सिमी भाई तैयार है, पतंग पेज वाला और अंबरगढ़ से गेम चल रहा है। कलकत्ता के लिए देखे हमारे गेयर पीछे आए हैं, बहुत दूर से 13 किलोमीटर दूर से आए लखनऊ में, बुनियाद बाग में अधिक आय टूर्नामेंट का गेम चल रहा है। और ऊपर से पे लड़ाएंगे सोमनाथ भाई, देखे हमारे तैयारी ले रहे हैं, और नीचे से लड़ाएंगे A1 काइट क्लब के लिए कुणाल भाई। कुणाल भाई कहीं होंगे इसी भीड़ में पीछे, कहीं नीचे से पे लड़ाएं, तैयारी लेते हैं और चलते हैं सिक्स आर सीधे पेज की ओर। सामने देखिए पेज होता हुआ, ऊपर से है सोमनाथ चढ़ के जाते हैं और नीचे से है कुणाल भाई। कुणाल भाई नीचे से अंदर का मुठा लेके आते हुए फट करते हुए सामने पेच होते हैं, पेच काफ़ी रेंज में, सोमनाथ भाई पतंग काफ़ी बड़ा है, कुणाल भाई की पतंग काफ़ी नीचे, और थपकी देते पतंग चलाते हैं। और ये पेच बहुत बढ़िया झटक के डोर पे रख के बेहतरीन डोर लगा के ये पेच कैंसिल हो गया, और ये पेच कैंसिल बता रहे हैं भाई कमेटी के मेन सोडी भाई मारे। कबीर काइट क्लब के खिलाड़ी सामने देखे तैयारी लेते हुए, बहुत बढ़िया आसमान गुजार प्लेयर हैं, बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी भी हैं, और ऊपर लड़ा रहा है नोबल काइट क्लब के खिलाड़ी। तैयारी लेते हुए दोनों खिलाड़ी चलते सीधे पेच को, सामने पेच होता हुआ, नीचे से कबीर काइट क्लब के खिलाड़ी थपकी देते, ये देखे सामने पेच होता हुआ और पेच से सीटी बच चुके, सामने पेच हो रहा है और ऊपर से नोबल खिलाड़ी थपकी देते, पता अपनी ऊंची कर ली। यहाँ पर कबीर के खिलाड़ी थपकी देते हुए अंदर का मुड्ढा लेके जाते हुए, ऊपर से मुड्ढा रखते हुए अंदर का नोबल खिलाड़ी बाहर तेजी से लेके जाते हल्का तो, और चक्कर देते मौका देख के यहाँ पे डबल करके, और यहाँ पे तेजी के साथ पट मारने की कोशिश, और ये पेच नोबल ने काट दिया, और ये पेच कबीर काइट क्लब के खिलाड़ी पेच कट गए, बहुत ही बढ़िया पेच काट दिया नोबल के, लेट हो गए यहाँ पर ये पड़ मारने में। आलमबाग काइट क्लब के लिए हमारे सिमी भाई सामने देखे तैयारी ले रहे हैं पीछे, और नीचे से लड़ा रहे अंबरगन खिलाड़ी सामने देखे, और चलते सिक्स आर सीधे पेच की ओर। सामने देखे पेच होता हुआ, पेच होता पेच सही सीटी बन चुकी है, नीचे से अंबरगन खिलाड़ी और ऊपर से है सिमी भाई आलमबाग के लिए, आलमबाग के लिए सिमी भाई ऊपर से थपकी देते पतंग चलाते हुए, हल्का तो मुड्ढा बाहर का लेके जाते हुए, नीचे से अंबरगन खिलाड़ी अंदर का मुड्ढा लेके जाते हुए जिगा बनाते हुए, और यहाँ पे सिमी भाई भरपूर ताकत के साथ गद्दा मारते हुए, और ये पेच आलमबाग में शायद काम किया ये पेच, और बढ़िया पेच काट दिया सिमी भाई, देखे बधाइयाँ मिलती हुई, जबरदस्त बेहतरीन पेश काट दिया। यहाँ पर हीरोज काइट क्लब के खिलाड़ी सामने देखे तैयारी ले रहे हैं, और यम से हो रहा गेम, यम के खिलाड़ी ऊपर से पेड़ आ रहे हैं, और चलते हम सीधे पेच के ओर। सामने पेच होता हुआ हीरोज और यम के बीच में, पेच साइड सीटी बच चुकी, सामने पेच होता हुआ, नीचे से हैं हीरोज काइट क्लब के खिलाड़ी और ऊपर से हैं यम काइट क्लब के खिलाड़ी, मुड्ढा रखते हुए ऊपर से चक्कर खाते बताएं और ऊपर से मुड्ढा रखते हुए यम काट के बाहर, और यहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ पेच खींच के ये पेच हीरोज ने काट दिया। मौसम ख़राब होने के कारण आप देख रहे हैं सामने ब्लर आ रहा है, मौसम के धुंध है सामने, ठीक है दोस्त। बरेली के खिलाड़ी सामने देखे नीचे से पेच लड़ा रहे हैं, ऊपर लड़ाएंगे अंकित काट क्लब के खिलाड़ी विक्की भाई ऊपर से, और सामने पेच होता हुआ, पेच काफ़ी रेंज में लड़ रहा है, मौसम भी काफ़ी ख़राब है, धुंध आ रहा है सामने, नीचे से MM मुरादा बरेली और ऊपर से अंकित काइट क्लब, अंकित काइट क्लब प्ले विक्की भाई ऊपर से मुड्ढा रख चढ़ के आते हुए, हल्के हाथ में मुड्ढा रखते हुए अंदर बाहर चलाते हुए पतंग, थपकी देर पतंग ऊँची करते हुए MM मुरादाबाद बरेली फट करते हुए अंदर का रखते हुए, और यहाँ पर विक्की भाई तेजी के साथ भरपूर ताकत के साथ गद्दा मारता और रोक के यहाँ पर बरेली के खिलाड़ी ने बढ़िया पेच काट दिया, और ये पेच अंकित काट के खिलाड़ी पेच काट दिया। मुरादाबाद के लिए गोपाल भाई सामने देखे तैयारी ले रहे हैं, और ऊपर से पे लड़ाएंगे
फूल बाग के खिलाड़ी सामने तैयारी लेते हैं और चलते सीधे पेच की ओर। पेच सही सामने सीधे बचपन सामने पेच होता हुआ मुरादाबाद चमन काइट क्लब लखनऊ अंबरगंज। मुरादाबाद के लिए गोपाल भाई चक्कर देते हुए अंदर का मुठ्ठा लेके जाते हुए। दोस्तों मौसम बहुत ख़राब है, आगे धुंध बहुत है, पतंग ब्लर दिख रही है इसलिए। और यहाँ पे अंबरगंज खिलाड़ी तेजी के साथ बाहर लेके जाते हो। यहाँ पर क्या भर्रा फेंक के क्या जबरदस्त पेच काट दिया यहाँ पर मुरादाबाद के लिए चमन ने, बढ़िया पेच काट दिया जवानों के। देखिए ये हमारे गोपाल भाई मुरादाबाद के जी, और इन्होंने फूल बाग को 0-4 से कितना चल रहा और इन्होंने चारों पेच डोर फेंक के ऐसी डोर फेंकी है चली जा रही है। सामने वाला सोचे अब गई कब कटी कब कटी, उसके बाद इनकी टाइमिंग इतनी अच्छी अंदाजा था। पहली बार लखनऊ के बुनियाद बाग मैदान में कोई आदमी पतंग लगाने आया है और इतना ज़बरदस्त इनको अंदाजा है कि टाइमिंग पे झटके दे रहे हो सामने वाला यूँ ही स्लिप हुए चले। बहुत एंटिक पेस काट रहे हैं, एंटिक पेस, बड़ा मज़ा आ रहा है। यहाँ जनता इनके बोले अब आप टिकट चढ़वा लीजिए आगे। कुणाल भाई देखिए सामने तैयारी ले रहे पिलड़ा रहे हैं यूवन काइट क्लब के लिए और ऊपर से ला रहे हैं कलकत्ता के खिलाड़ी। सामने देखे पे लड़ता हुआ इवन काइट क्लब लखनऊ के लिए कुणाल भाई पता नहीं थपकी देते ऊँची करते, ऊपर से सोमनाथ भाई गद्दा मारते भरपूर ताकत के साथ गद्दा मार के ये पेच कलकत्ता ने काट दिया, बढ़िया पेच काट दिया यहाँ पर। और कुणाल भाई ये पेच कट गए लखनऊ के लिए और इसी के साथ साथ कलकत्ता 2-1 से पहले राउंड में आगे चल रहा है लखनऊ से। इरफान भाई देखिए सामने तैयारी ले रहे हैं ओल्ड 11 काइट क्लब के लिए पेलड़ा है नीचे से और ऊपर से हैं गोल्डन टी के लिए इमरान। सामने पेलड़ता पेच से एक सीटी बच चुकी, सामने पेच हो रहा है ऊपर से इमरान भाई अंदर का मुद्दा रखते हो। यहाँ पे क्या गजब सिर्फ रोकते रह गए और ये ओल्ड 11 के लिए भालू ने इरफान ने पेच काट दिया, बहुत ही बढ़िया पेच काट दिया। किया कुछ नहीं, क्या जो करना था इमरान ने किया और ये सिर्फ रोके रहेगा और ये फोर पेच काट दिया आपने फोर इलेवन के लिए बढ़िया पेच काट दिया। रॉकी भाई देखे आज साइकिल चला के इंजॉय कर रहे हैं इस बुनियाद बाग मैदान में। आप देखे बहुत ही हंसमुख मिजाज दिल फेक चमन काइट क्लब के लिए हमारे देखे गोपाल भाई तैयारी ले रहे हैं और गेम हो रहा फूल बाग से 4-0 से आगे चल रहे हैं। तैयारी सीट पर सीटी बच चुके हैं, सामने चलते सीधे पेच की ओर। दोस्तों आज मेरा गला बहुत ख़राब, कुछ चीज़ें आपको समझ में आए थे इसके लिए क्षमा चाहूँगा। ठंडा गरम और डेली गेम बनाना बहुत ही टफ होता है लेकिन जो है आपके लिए बना रहा हूँ दोस्तों, आपका प्यार यूँ ही बना रहे बस यही चाहता हूँ। और सामने पे लड़ता हुआ ऊपर से फूल बाग के खिलाड़ी थपकी देते हुए चढ़ के आते हुए नीचे से चमन मुरादाबाद के लिए हमारे गोपाल भाई धपकी देते हुए पतंग चक्कर खाते हुए ऊपर से मुड्ढा क्या तो रखते हुए पेच सही सामने पेच होता हुआ चमन मुरादाबाद और फूलबाग के विजय। गोपाल भाई तेजी से अंदर जाते हो भर्रा देते हो, इस बार चूक गए और ऊपर से गद्दा मार के रख के और इस बार फूलबाग के खिलाड़ी ने पेच काट दिया और इस बार गोपाल भाई करे हवा नहीं लगी पतंग में जो हर बार मिल रहा है इस बार, लेकिन वो डोर में हवा मिली नहीं गोपाल भाई को। गोल्डन टी के लिए शायद डंपी भाई पिलड़ा रहे ऊपर से और नीचे से इरफान सामने देखे तैयारी लेते हुए और ग्रीन सिग्नल हमारे तौसीफ भाई दिखा चुके हैं और चलते सीधे पेच को। सामने देखे पेच होता हुआ ऊपर से है डंपी भाई मुड्ढा रखते हुए और नीचे से अंदर का मुड्ढा लेके जाते हुए इरफान ओल्ड 11 के लिए पतंग के हाथों से ऊँची करते हुए ऊपर से पार के लेके जाते डंपी और पेच सही यहाँ पे पार तेज खींचा यहाँ पे बाहर गद्दा मार के यहाँ पर ये पेच गोल्डन टी के लिए डंपी भाई ने पेच काट दिया, बढ़िया पेच काट दिया जबरदस्त। अतीक भाई देखे हीरोज काइट क्लब के लिए सामने देखे तैयारी ले रहे हैं, पेच लड़ाएंगे नीचे से और ऊपर से पेच लड़ाएंगे यम काइट क्लब के प्लेयर। सामने देखिए कुर्ते में है बहुत ही बेहतरीन ज़बरदस्त प्लेयर हैं यम काइट क्लब की जान जान और शान दोनों
गला ख़राब है तो आपको बात कुछ शायद हो सकता है और सुनाई दे, लेकिन आप सुन रहे हैं तो खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और ये बुनियाद बाग की जनता इस टूर्नामेंट का गेम आनंद लेते हुए देखे, और कुछ आपस में ही चर्चा चल रही है कैसे क्या हो रहा है यहाँ पर। अतीक भाई तैयारी लेते हो, चलते सीधे पेच की ओर। सामने देखे पेच होता हुआ, नीचे से लड़ाएंगे हीरोज़ के लिए अतीक और ऊपर से यम की प्लेयर। सामने पेच होता हुआ, हीरोज़ काइट क्लब के खिलाड़ी हल्के हाथों से पट करते हुए नीचे से अंदर का मुठ्ठा लेकर जाते हुए और ऊपर से यम काइट क्लब के चढ़ के आता हुआ खिलाड़ी। सामने पेच होता हुआ, पेच सही की सीटी बच चुकी है। हीरोज़ के लिए अतीक तेजी से अंदर का मुठ्ठा लेकर जाते हुए अपनी ऊंची करते हुए पेस सामने लड़ता हुआ, नीचे से हीरोज़ काइट क्लब के अतीक अंदर का मुठ्ठा लेकर जाते हुए और ऊपर से हैं यम काइट क्लब के खिलाड़ी चक्कर देते हुए हल्के हाथों से धक्के देते पतंग अंदर का मुठ्ठा लेकर जाते हुए। हीरोज़ काइट क्लब के प्लेयर अतीक धक्के देते हुए पतंग अपनी ऊंची करते हुए हल्के हाथों बाहर का मुठ्ठा लेकर जाते हुए पेच होता है। और यहाँ पे हीरोज काइट क्लब खिलाड़ी ने वाह इतनी तेजी से खींचा और वहाँ पे रख के और ये पेच यम ने काट दिया, बढ़िया पेच काट दिया यहाँ पर यम ने। पेच सही सिटी बच्चों के सामने पेच होता हुआ, इवन काइट क्लब और कलकत्ता के बीच में और शायद यहाँ पे फैसला भी हो गया और ये पेच एवन ने काट दिया। एवन के लिए एक पेच काटा कुणाल भाई ने। ये कलकत्ता के लिए जाते प्लेयर फुटबॉल के खिलाड़ी सामने देखे तैयारी ले रहे, पहला नीचे से और ऊपर लड़ा रहे कबीर काइट क्लब के खिलाड़ी और चलते सीधे पेच को। सामने पेच होता हुआ, कबीर काइट क्लब के खिलाड़ी ऊपर से और नीचे से नोबल खिलाड़ी चक्कर खाते ऊपर से मुड्डा रखते हुए चढ़ के जाते हुए नोबल के प्लेयर अंदर का मुठ्ठा लेकर पतंग थपकी देते पतंग ऊंची कर पेच सही की सिटी बच चुके। सामने पेच होता हुआ नोबल और कबीर के बीच में, यहाँ पे नोबल के खिलाड़ी बहुत तेज खींची और यहाँ पर रोक के और ये पेच नोबल के खिलाड़ी ने पेच काट दिया, बहुत ही बढ़िया पेच काट दिया, जबरदस्त तेज खींच के टाइमिंग के साथ झटक के लाजवाब पेच काटा। अंबरगंज के लिए हम्माद भाई देखे सामने तैयारी ले रहे, फिर लड़ा रहे नीचे से और ऊपर से लड़ा रहे हैं आलमबाग काइट क्लब के लिए शायद लड़ा रहे हैं या फिर सिमी भाई लड़ा रहे या फिर समीर। और पेच सामने लड़ता हुआ हम्माद चक्कर देते हुए मौके का इंतजार करते हुए ऊपर से चक्कर देते हुए आलमबाग के लिए बाहर की तेजी से साथ लेके जाते हो यहाँ पे डोर पे खेल खेलते हो। यहाँ पे बहुत ही उंडा पेच काट दिया पर हम्माद ने अंबरगंज के लिए, बहुत ही बढ़िया पेच काट दिया। जुनैद भाई स्कोर क्या चल रहा है अपना भी आलम? चार दो, चार काटे दो कटे हैं और बहुत ही बढ़िया जबरदस्त गेम चला। चार दो से अंबरगंज आगे चल रहा है इस टूर्नामेंट में आलमबाग से। एमएम काइट क्लब के लिए हमारे संजू भाई देखे सामने तैयारी ले रहे हैं, फिर लड़ाएंगे नीचे से एमएम बरेली के लिए। और हमारे बिलाल भाई, बिलाल भाई स्कोर क्या है अपना? चार दो का क्रिच आउट होके चला गया, पहला पेज मैंने काट दिया था, क्रिच आउट हो गया, कैच हो गया क्रिच से मेरा पैर। और चार काटे हैं कटे हैं? कटे हैं दो काटे हैं, चार कटे हैं दो काटे हैं, पहला पेज क्रिच आउट में चला गया, क्रिच आउट में चला गया था भाई। भाई ने बहुत बढ़िया पेज काटा था और आप इस वीडियो में पहला ही पेज देखेंगे आप जो मैंने बनाया है वो बिलाल भाई का ही है। बहुत ही जबरदस्त गेम, अंकित काइट क्लब से गेम चल रहा है एमएम मुरादाबाद। देखिए संजू भाई तैयारी ले रहे, पेड़ ला रहे नीचे से और ऊपर से है अंकित काइट क्लब के लिए शायद आशु भाई या फिर विक्की, दो में से एक खिलाड़ी हैं। और सामने पेड़ लड़ता हुआ नीचे से अंदर का मुठ्ठा लेके जाते हुए
थपकी देते चक्कर देते हैं, मुड्ढल के बाहर रखते हुए अंकित कैट क्लब के लिए विक्की भाई। और यहाँ पे टाइमिंग देख के बहुत ही तेज़ी के साथ पावर के साथ तेज खींचाओ, यहाँ पे बहुत ही भरपूर ताकत के साथ गद्दा मारा। ये पेज विक्की ने शायद काट दिया अंकित कैट क्लब के लिए, बढ़िया। और स्कोर हो गया दोनों टीमों के लिए 5-2 का, और सिर्फ दो पेज बचे हैं बरेली के, एक पेज बचा, अगर कट जाए तो इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। A1 काइट क्लब प्ले हमारे कुणाल भाई देखे तैयारी ले रहे, पे लड़ाएंगे नीचे से और ऊपर से पे लड़ाएंगे सोमनाथ कलकत्ता के लिए। और बुनियाद बाग की जनता अधिक काइट टूर्नामेंट 2024 कानन लेते हुए यहाँ पर बुनियाद बाग मैदान में बहुत ही ज़बरदस्त गेम चल रहा है दोनों टीमों के बीच में। और कलकत्ता के लिए हमारे देखे कौड़ी भाई आ रहे देखे सामने, और कौड़ी भाई जानेंगे। कौड़ी भाई अभी स्कोर क्या चल रहा है अपना? 3-2 तीन काटे हैं दो कटे हैं, 3-2 का स्कोर चल रहा है तैयारी लेते हुए कुणाल भाई। और सोमनाथ लड़ाएंगे ऊपर से पेच और चलते सीधे पेच की ओर, सामने पेच होता हुआ नीचे से कुणाल भाई A1 काइट क्लब के लिए अंदर का मुड्ढा लेके जाते हुए ऊपर से सोमनाथ भाई तड़काते हुए हल्का तो मुड्ढा रखते हुए पेज से एक सीटी बच चुकी है। ऊपर सोमनाथ अंदर की तेजी साथ चक्कर देते और ये पेच और पूरी ताकत के साथ तेज खींच के बाहर, ये पेच कुणाल भाई ने काट दिया A1 काइट क्लब के लिए। और दोनों टीमों के बीच में स्कोर हो चला है 3-3 का बराबर। और इस A1 काइट क्लब के लिए तीनों पेज कुणाल भाई ने काटे हैं। सालम भाई और हमारे शहबाज भाई हमारे क्वार्टर फाइनल में पहले पहुंच चुके हैं जेडी काइट क्लब से, हम जान लेते हैं जेडी काइट क्लब के हैं शहबाज भाई आपका गेम किससे है क्वार्टर फाइनल? स्पीड काइट क्लब। कब खेला जाएगा ये पेच? कमेटी। और हमारे सालम भाई हैं यम काइट क्लब की जान, और हवा जब तेज रहती है तो हवा तेज रही तो भाई का जलवा कहे भी बुला रहे। और सालम भाई आपका गेम जो चल रहा है अभी क्या चल रहा है? 2-1 का स्कोर है हमारा, हीरो से चल रहा है सेकंड राउंड, दो हमने काटे एक कटे, सेकंड राउंड चल रहा है। और पहले राउंड में क्या स्कोर रहा आपका? हमने जो है 6-4 से मैच जीता था, 6-4 से गेम जीत लिया। पहला राउंड हमने जो है हराया था कौन सा क्लब का नाम बोल रहे क्लब का नाम ध्यान नहीं आ रहा हमको, पहला राउंड हमने 7 क्लब से जीता, 7 क्लब से और 6-4 से गेम विन कर लिया था भाई ने। बहुत ही बढ़िया पेल लगा, उसमें काटा किसने था? उसमें अमान ने 3 काटे और ऑन ने भी 3 काट दिए, 3 अमान ने काटे और 3 ऑन ने काटे। तो सेकंड राउंड में प्लेयर चेंज हुआ क्या? नहीं दोनों वही अमान ऑन लड़ा रहे, अमान ऑन लड़ा रहे और बढ़िया चल रहा गेम जबरदस्त। हवा की वजह साथ गेम थोड़ा लेट हो रहा है और पेज भी छोटे हो रहे हैं। MM बरेली के लिए भाई अपना तैयारी ले रहा देखे सामने, और गेम लड़ रहा अंकित काइट क्लब से 5-2 or 3 का स्कोर है और तैयारी ले रहे ऊपर से पेल लाएंगे भी हम जानते हैं प्रदीप दद्दा से सामने जो कि आ रहे हैं। 5-2 का स्कोर चल रहा है बरेली और अंकित काइट क्लब लखनऊ के बीच में, तैयारी लेते हुए और चलते हैं सीधे पेज को सामने देखे पेज लड़ता हुआ अंकित काइट क्लब और MM मुरादा बरेली के बीच में। ऊपर से अंकित काइट क्लब के लिए लड़ा रहे हैं आशू, सामने पेज लड़ता हुआ पेज से एक सीटी बच चुकी है, नीचे से बरेली के लिए खिलाड़ी अंदर का मुड्ढा लेके जाए थपकी देर पतन चलाते हुए 5-2 का स्कोर। ऊपर संकेत हल्का तो मुड्ढा रखते हुए थपकी देते चढ़ते हुए आते हुए और बरेली खिलाड़ी पता अपनी ऊंची करते हुए आंसू चढ़ के आते हुए मौका देके यहाँ पे आंसू ने बहुत ही बढ़िया डबल करने की कोशिश, और यहाँ पे जैसे तेज खींचने की कोशिश की आंसू ने पलट के बाहर तेज खींच के झटक बहुत ही खूबसूरत पेच काट दिया अंकित काइट क्लब की
और इसी के साथ 6-2 से विन कर लिया और बरेली यहाँ पर इस टूर्नामेंट से बाहर हो गया। यम काइट क्लब के ऑन भाई देखे सामने ऑन हो चुके हैं और फिर लड़ाएंगे नीचे से। ऑन भाई स्कोर क्या अपना अभी? 2-1 का स्कोर है यम काइट क्लब। दो काटे हैं और एक कटे हैं और ऊपर से पेड़ लड़ा। सैफुल भाई देखे इस गर्मी में भी एंजॉय कर रहे हैं, बढ़िया हेल ड्रिंक पी रहे हैं। और ये कौन सी ड्रिंक है? ये शक्कर और नमक का पानी है। शक्कर नमक का पानी सिकंजी पी रहे हैं नींबू डाल के। खड़े रहते हैं भैया, ये ताकत देता है खड़े होने की। ये खड़े रहते हैं भैया, पी के एनर्जी ले रहे हैं और खड़े हैं और ऊपर से तैयारी ले रहे हैं हीरोज काइट क्लब की खिलाड़ी। और शायद आसिम भाई देखे वहाँ पर काफ़ी दूरी पर और चलते सीधे पेच की ओर। सामने देखे पेड़ लड़ता हुआ, नीचे से हीरोज काइट क्लब के लिए अतीक है शायद ऊपर से और नीचे से हैं यम के लिए नीचे से हैं ऑन और ऊपर से हैं अतीक। अतीक ऊपर चढ़ गया था, पेच से एक सीटी बच चुके, सामने पेच होता है, काफ़ी ऊपर पेच हो रहा है एकदम खड़ी। ऊपर से हीरोज काइट क्लब के खिलाड़ी चढ़ के आते हुए चक्कर देते हुए ऊपर से नीचे सबकी देते हुए पतंग अंदर का मुड्ढा लेके जाते हुए यम के लिए खिलाड़ी। हीरोज के खिलाड़ी ऊपर से मौका देकर रखते हो, यहाँ पे भरपूर ताकत के साथ गद्दा मारा और यहाँ पर तेजी के साथ खड़ा खींच के पेच ऑन ने काट दिया यम काइट क्लब के लिए, बढ़िया पेच काट दिया। डंपी भाई तैयारी लेते हुए गोल्डन टी के लिए पेल लाएंगे नीचे से और ऊपर से पेल लड़ा रहे हैं मोहम्मद भाई, लड़ा रहे पेच ऊपर से एवोन काइट क्लब के लिए, एवोन का ओल्ड एवोन के लिए सॉरी। और तैयारी लेते हुए चलते हुए सिक्स साथ सीधे पेच की ओर, पेच सही सामने पेच होता हुआ और यहाँ पर बढ़िया बेहतरीन पेच काट दिया ओल्ड एवन के मोहम्मद ने, गद्दा मार के लाजवाब पेच काट दिया और ये पेच डंपी भाई कट गए 3-2 से आगे चल रहा। कौन? ओल्ड एवन की ये ओल्ड एवन आगे चल रहा 3-2 से। न्यू फूल बाग के लिए देखे दानिश भाई तैयारी ले रहे हैं, पेड़ लाएंगे नीचे से और ऊपर से चवन मुरादाबाद के लिए खिलाड़ी। सामने मुरादाबाद खिलाड़ी तैयार रहे और यहाँ पे ग्रीन सिग्नल हो चुका, पेच सही सीटी बच चुकी, सामने पेच होता हुआ मुरादाबाद के खिलाड़ी ऊपर से और नीचे से न्यू फूल बाग के खिलाड़ी, पेच होता हुआ ऊपर से मुड्ढा रखते हुए और यहाँ पे भरपूर ताकत के साथ गद्दा उतारते हुए यहाँ पे तेजी के साथ पट मारते हुए न्यू पाल फूलबाग के खिलाड़ी और ये पेच फूलबाग के लिए काट दिया बेहतरीन और इसी के साथ स्कोर हो गया शायद 4-2 का फूलबाग और चवन मुरादाबाद के बीच में। कुणाल भाई ने एवन काइट क्लब के लिए बहुत ही बढ़िया बेहतरीन 3 पेच काटे हैं जबरदस्त और कलकत्ता से गेम चल रहा है एवन काइट क्लब और असलम कोर्ट कलकत्ता के बीच में 3-3 का बराबर पेच है और ऊपर से कलकत्ता खिलाड़ी सामने देखे तैयारी लेते हुए और शायद कौड़ी भाई पेल लाएंगे ऊपर से इस बार और नीचे से लड़ाएंगे कुणाल ओल्ड एवन के लिए 3-3 का स्कोर बराबर और तैयारी लेते हुए कुणाल भाई और चलते में शिक्षा सीधे पेच की ओर। सामने देखिए पेच होता हुआ कलकत्ता और लखनऊ के बीच में गेम होता हुआ, सामने कुणाल भाई पट करके मुड्ढा रख कर नीचे से अंदर आते हुए पेच से एक सीटी बच हुई, सामने पेच होता हुआ नीचे से कुणाल भाई अंदर का मुड्ढा लेके जाते हुए और ऊपर से कलकत्ता खिलाड़ी कौड़ी भाई मुड्ढा बाहर का लेके जाते हुए मौका दे के कुणाल भाई अंदर बाहर करते हुए पेच सामने लड़ता हुआ तबकी देते हुए पतंग चलाते हुए हल्का तो ऊंची करते हुए ऊपर से अंदर की रगड़ते हुए और जैसे बात ये खींची अंदर की खींच के ये पेच कौड़ी ने काट दिया कलकत्ता के लिए और ये पेच कुणाल भाई कट गया और इसी के साथ स्कोर हो गया एवन और कलकत्ता के बीच में 3-4 का। कबीर के खिलाड़ी ऊपर से तैयारी लेते हैं पीछे सामने और नीचे से पेल लड़ाएंगे
नोबल के खिलाड़ी सामने तैयारी लेते हुए, सामने देखे पे लड़ता हुआ नोबल के खिलाड़ी नीचे से पे लड़ा रहे हैं, ऊपर लड़ा रहे हैं कबीर के खिलाड़ी। सामने पिच होता तब किधर तो पतन चलाते हुए पे सही सीटी बच चुकी है, सामने पिच होता हुआ ऊपर से कबीर के खिलाड़ी मुड्ढा बाहर करने के लिए चक्कर देते हुए मौके इंतजार करते हुए, और यहाँ पे तेजी के साथ बाहर तेज खिंचाओ यहाँ पर ये पेच नोबल ने काट दिया शायद, और बहुत ही बढ़िया पेच काट दिया नोबल के। नोबल के लिए पेच काटा नोबल भाई। स्कोर क्या है इतना? चार। स्कोर कितना भाई? चार दो का स्कोर है। चार काटे दो काटे। बुनियाद बाग का टूर्नामेंट आज के दिन का यहीं पर समाप्त होता हुआ। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के समय दिया। और रही बात आज की अपडेट की, तो आज के दिन का गेम में दो टीमें बाहर हुई, जिसमें एक MM काइट क्लब बरेली की, और एक टीम बाहर हुई है मून लाइट गोंडा की, जो कि गेम हुआ था स्काई काइट क्लब से, और स्कोर रहा दोनों टीमों के बीच में 6-2 से बाहर हुई।